नाज़रीन, लेबनानी जर्नलिस्ट की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह ने तबाही मचा के रख दी है और इसराइल की जो सबसे एडवांस असलहा बनाने वाली कंपनी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया है और इसके साथ साथ 13 इलाकों पर कब्जा करने के लिए इस वक्त शदीद लड़ाई जारी है। जबकि MBS मोहम्मद बिन सलमान मैदान में आए हैं और उन्होंने बहुत बड़े एक्शन ले लिया है। असलहा बंद करने के हवाले से उनकी जानब से सबसे बड़ा इकदाम सामने आया है। इससे पहले उन्होंने तेल बंद करने की मुखालफत की थी, लेकिन अब लगता है कि उनकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और उनकी इस बात ने बहुत खलबली मचा के रख दी है। इसराइल में अलग से परेशानी है, मगरब में और अमेरिका में अलग से परेशानी है, क्योंकि MBS इस वक्त मुकम्मल तौर पर चाइना और रशिया के साथ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इसके साथ साथ एलोन मस्क फिर से मैदान में आए हैं। उन्होंने खरबों की इमदाद, अरबों नहीं खरबों की जो इमदाद है वो गजा के लिए, इसका ऐलान किया। ये अहम तरीन तफसीलात भी आपको बताएंगे। इसके अलावा गजा के निहत्ते लोगों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस वक्त हम जंग के सबसे क्रिटिकल मोमेंट पर खड़े हैं और चाहे जो भी डेवलपमेंट्स हों आपने ये जहन में रखना है कि ये फुल एंड फाइनल वॉर है। ये फ़लस्तीन की आज़ादी का फैसला कुन मार्का है। अब या तो फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम होगा या फिर हमेशा हमेशा सफ़ास्ती से मिट जाएगा, क्योंकि ना ही मज़ामती तहरीक इससे पीछे हटने को तैयार है और ना ही इसराइल अब इससे पीछे हटने को तैयार है। वो अब मुकम्मल तौर पर खात्मा चाहता है गजा का और वेस्ट बैंक का, और वो इससे बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस तरह ये जंग जो है वो एक फैसला कुन जंग बन जाती है। तो अब अगर हम लेबनान बॉर्डर की सबसे पहले सूरत हाल आपको बताएं, जो कि इस वक्त प्राइमरी वॉर जोन बना है। जब से इसराइल ने इनके 3 जर्नलिस्ट शहीद किए हैं जिसमें फरा उमर भी थी, और बाद में आप उनकी तस्वीर देखिए बहुत ही दिल दुखी है और पूरी दुनिया में लोग बड़ा गम मना रहे हैं इन 3 जर्नलिस्ट का। फरा उमर को देखिए किस तरह से वो रोटियाँ बना रही हैं जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी जंग में। तो जो वहाँ पर रिहायशी हैं उनके साथ उनको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए किस तरह उनमें घुल मिल गई और उनके साथ रोटियां बनाना सीख रही हैं। तो ये तस्वीर भी उनकी पूरी दुनिया में वायरल हैं। और जिस तरह से उनको शहीद किया गया, वो रिपोर्टिंग कर रही थी उस वक्त तब उनको शहीद किया गया, और जिस तरह से उनकी लाश पड़ी थी वहाँ ग्राउंड पर ज़मीन पर, तो वो बहुत ही दिल दहला देने वाले मनाजर थे। तो उसके बाद हिज़्बुल्लाह ने बदले का ऐलान किया और लगातार उसके बाद से हमले जारी हैं। सबसे जो एक बड़ा अटैक किया गया है, बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 2-3 की तफसील आपके सामने रखूंगा। जो सबसे बड़ा अटैक किया गया है वो है जनाब रफाएल फैक्ट्री का। पिछली वीडियो में हमने आपको मुख्तसर सा बताया था, लेकिन अब थोड़ा सा नक्शे के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये आप अगर नक्शे पर देखें तो ये जो रफाएल कंपनी है ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर लेबनान बॉर्डर से दूर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट अटैक किया गया है, बड़े घातक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और इस कंपनी को उड़ा के रख दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब ये कंपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैसियत रखती है, जो डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, ये वही कंपनी है जिसने आयरन डोम बनाया है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो एयर डिफेंस सिस्टम बना रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत सी जो एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, उसमें जो मेजर किरदार है, जो की प्लेयर अगर आप कह लें, तो वो रफाएल कंपनी है। और इस कंपनी के बनाए गए मिलिट्री इक्विपमेंट, उनका डिफेंस सिस्टम इसराइल पूरी दुनिया में सेल भी करता है और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाता है। और ये जो कंपनी है ये 1948 से कायम है, जब से इसराइल बनाए तब से ये कंपनी कायम है। और जो भी इनका जदीद तरीन कोई इक्विपमेंट उनका डिफेंस सिस्टम सामने आता है तो वो यही कंपनी बनाती है। तो इस लिहाज से ये जो हमला है ये बहुत अहमियत का हामिल है, और यहाँ पर इसको निशाना बनाया, कम्प्लीटली इसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया गया। यानी ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पोर्शन को जाके हिट किया गया हो, ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं कि इस पूरी कंपनी को उन्होंने उड़ा के रख दिया है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है इसराइल के लिए। इसके अलावा कई और शहर हैं जिन पर हमले जारी हैं। मिसाल के तौर पर ये जो साहिल समंदर के साथ शहर है नहारिया, इंतहाई इंपॉर्टेंस का ये हामिल है। यहाँ पर भी बड़ी तादाद में हमले किए गए हैं और यहाँ पर भी बड़ी तबाही हुई है, और यहाँ पर जो हज़ारों लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए हैं। यहाँ पर जो हज़ारों इसराइली है वो ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं इन हमलों के बाद। लेबनान बॉर्डर के साथ आपको हम बता चुके हैं कि वहाँ पर 2 से 3 लाख लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, उनके अब शहर के शहर खाली हो गए हैं, वहाँ पर कारोबार ख़त्म हो गया, उनकी इंडस्ट्री वहाँ पर तबाह होकर रह गई है, उनका टूरिज़्म वहाँ पर तबाह होकर रह गया, और अरबों का नुकसान उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है इस जंग की वजह से। और अब ये जो बॉर्डर से दूर एरियाज़ हैं जैसे नहारिया है, फिर साथ हाइफा है,
अब यहां पर भी मुसलसल हमले शुरू हो गए और यहां के लोग भी डिस्प्लेस होना शुरू हो गए हैं। कुछ ऐसा भी इन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि जेरे ज़मीन जो जगह बनाई हुई हैं कि जंग की सूरत हाल के लिए, वहाँ पर भी कुछ लोगों को लाया गया है और कुछ मुख्तलिफ इलाकों में यानी सेंटर की तरफ जो है वो डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त इसराइल को उठाना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप लेबनान वाली साइड पर देखें तो वहाँ से कोई इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है कि कोई बड़ी तादाद में लोग डिस्प्लेस हो रहे हों। जितने भी लोग इवैक्यूएट हो रहे हैं वो सारे इनकी साइड पर हैं, जितना भी कारोबार बंद हो रहा है वो सारा इनकी साइड पर है, तो ज्यादा नुकसान इनको हो रहा है। इसके अलावा तेल अवीव पर रॉकेट्स की बौछार की गई है, बहुत बड़ी तादाद में हमले किए गए हैं जिनमें से मैक्सिमम जो रॉकेट्स थे वो आयरन डोम से इंटरसेप्ट नहीं हो सके और उन्होंने आगे जाकर टारगेट को हिट किया और वहां पर भारी नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। बिल्कुल उसकी तस्वीर और वीडियो सामने आ चुकी हैं, ऐसा लग रहा है कोई आसमान में तारे जगमगा रहे हों, इतने रॉकेट्स उन पर फायर किए गए हैं। तो कुछ जो है आयरन डोम ने तबाह किए हैं लेकिन बहुत सारे जो हैं वो तबाह नहीं हो सके और उन्होंने इनके दारुल हुकूमत तेल अवीव में बड़ी तबाही मचाई है। तो बहुत सारे फ्रंट से, बहुत सारी साइडों से इसराइल पर हमले पीक पर पहुंच गए हैं, यानी पहले भी हमले हो रहे थे लेकिन अब जो उनकी पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जनाब हिजबुल्ला के जो सुसाइड प्लेन्स हैं उन्होंने तबाही मचा के रख दी और ये इसराइल के लिए नया दर्दे सर हैं। अब इसराइल को ये समझ नहीं आ रही कि इनके साथ किस तरह से निपटा जाए। ये खुदकुश जो प्लेन्स होते हैं इनका मकसद ये होता है कि ये टारगेट के साथ वहाँ पर टकराते हैं और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं और वहाँ पर भारी नुकसान उनका करते हैं। तो इस वक्त बड़ी तादाद में हिजबुल्ला की जानिब से सुसाइड प्लेन्स यूज़ किए जा रहे हैं। तकरीबन 44 डेज में हमने देखा है कि एक या दो बार ये प्लेन्स इस्तेमाल किए गए लेकिन अब ये जो शहादत हुई है और उसके बाद उन्होंने हमला शुरू किया उसमें बड़ी तादाद में ये वाले प्लेन्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बाद एक और बहुत अहम खबर आई है जिसको व्हाइट हाउस ने वेरीफाई किया है, यूएस इंटेलिजेंस की यह खबर है। उनके मुताबिक इससे ज़्यादा ख़तरनाक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्ला को दिया जा रहा है रशिया की जानब से। इससे पहले वो सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल ये सारे प्रोवाइड कर चुके हैं लेकिन अब उससे भी एडवांस लेवल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रशिया की जानब से इनको पहुंचाया जा रहा है। और पहुंचाया किसके थ्रू जा रहा है? वैगनर ग्रुप की तरफ से, जो सबसे खतरनाक ग्रुप उनका माना जाता है और उन एरियाज में जाकर ऑपरेट करता है जो सबसे मुश्किल एरियाज होते हैं। इस वक्त वो सीरिया में ऑपरेट कर रहा है और बशार अल असद की हुकूमत को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो हिजबुल्ला को अगर कोई चीज़ उन्होंने देनी हो या फिर ईरान को या उनसे कोई चीज़ लेनी हो तो इसी ग्रुप के थ्रू ये सारा काम किया जाता है। तो अब यही ग्रुप जो है वो नया और एडवांस लेवल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्ला को पहुंचाने वाला है। तो इस जंग में, इस टाइम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हिजबुल्ला को वाजे तौर पर जंग में इस जखीरे के बाद बर्तरी हासिल होगी। इसके बाद अगली जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो है इलाकों को आज़ाद करवाना। अब बाकायदा तौर पर हिजबुल्ला ने मिशन शुरू कर दी। हालांकि हम आपको पिछले हफ्ते से बता रहे हैं कि हिजबुल्ला कुछ इलाकों में इन्फिल्ट्रेट किया है, वहाँ पर घुसा है और अब उसकी कोशिश है कि इलाकों पर कब्जा किया जाए जिस तरह की जंगी सूरत हाल बनी है। तो अब बाकायदा वो उसके एविडेंस और वो इलाके भी सामने आ चुके हैं जिनके कोशिश की जा रही है कि उनको आज़ाद करवाया जाए और अपनी अपने कंट्रोल में लिया जाए। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट इलाके हैं ये शीबा फार्म्स का इलाका है, बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ है, यहाँ पर पहले दिन से हमले जारी हैं। तो अब बाकायदा तौर पर ये बात सामने आई है कि इसको अपने कंट्रोल में हिजबुल्ला लेना चाह रही है। फिर क्रियात शमूना का जो इलाका है इसको भी वो अपने अंडर करना चाह रहे हैं। फिर जनाब घाजर विलेज का इलाका है ये भी वो आज़ाद करवाना चाह रहे हैं। इसके साथ 13 और इलाके हैं जिनका वो कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं और इसके लिए टैक्टिक ये है कि इनको पूरे बॉर्डर पर आप इंगेज करके रखें। हालांकि बॉर्डर के अलावा आप उनको नहारी और हाइफा पर भी अटैक कर रहे हैं तो यहां पर भी उनकी फोर्सेस को वो इंगेज कर रहे हैं। तो प्लान यही है कि इनको पूरे बॉर्डर पर इंगेज करके रखें, इनकी फोर्सेस को डिवाइड करके रखें और फिर इस चीज का फायदा उठाते हुए अंदर घुसें और इन इलाकों का कंट्रोल संभाल लें, क्योंकि जब वो कंट्रोल संभाल लेंगे तो फिर इनके लिए आसान नहीं होगा इसराइल के लिए। और जिस तरह से आज इसराइली फोर्सेस डिवाइडेड हैं, जब वो यमन का मुकाबला कर रही हैं, वो गजा में बड़ी नाकामी उठा रही हैं, वो सीरिया का बॉर्डर सिक्योर कर रही हैं, जॉर्डन का बॉर्डर और मिस्र का बॉर्डर वो सिक्योर कर रही हैं,
तो लेबनान के बॉर्डर पर आज हिजबुल्ला को ये वाज़े एडवांटेज हासिल है कि वो अंदर घुसकर इन इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि ये जो सारे इलाके हैं, चाहे ये गलीली का इलाका हो, गुलान हाइट्स हो, या ये जो शिबा फार्म्स और ये सारे इलाके हैं, ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, इन पर इसराइल ने कब्जा जमा रखा है। ये इलीगल हैं, ये इनकी रियासत का हिस्सा नहीं है। वैसे तो उनकी पूरी रियासत ही इलीगल है, लेकिन इन एरियाज पर इन्होंने खास तौर पर कब्जा करके अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो अब हिजबुल्ला को लगता है कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट, दिस इज द बेस्ट चांस कि अब हम इनको अपने कंट्रोल में वापस ले लें। अब इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इसराइल किस तरह से खौफजदा है। वो हिजबुल्ला के साथ जंग नहीं चाहता क्योंकि हिजबुल्ला उनके परखच्चे उड़ा के रख देगी, उनकी धज्जियां बिखेर देगी, उनका इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा कि 75 सालों में उनका इतना नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ये आप देख लीजिए कि हिजबुल्ला इनका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देगी, इनकी इंडस्ट्री तबाह कर देगी, इनकी बंदरगाहें तबाह कर देगी, इनका एयरपोर्ट तबाह करके रख देगी। और बदले में इसराइल क्या करेगा कि इनके घरों पर बमबारी करेगा लेबनान में, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिजेस उड़ा के रख देगा, क्योंकि लेबनान में तो कोई ऐसी इंडस्ट्री है ही नहीं, वहाँ पर तो ज़्यादा डेवलपमेंट्स है ही नहीं, कोई एनर्जी का इतना बड़ा निज़ाम नहीं है, इंडस्ट्री का इतना बड़ा निज़ाम नहीं है। तो बदले में इनका नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि वो पहले ही बैकवर्ड है, तो उनका आप कितना को नुकसान कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर ही गिराएंगे ना, तो आपका तो पूरा सिस्टम तहस नहस होकर रह जाएगा ना, आपको तो पूरा वो आपकी स्टेट कोलैप्स कर जाएगी, इतना उन्होंने आपका नुकसान करना है। यानी वहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ तो कोई सनत नहीं है, और आपकी सनत का उन्होंने तहस नहस करके रख देना है। तो आपने फिर जीरो से अपने मुल्क को रीबिल्ड करना है अगर वो बच गया तो इस जंग के बाद। तो इस तरह अब हिजबुल्ला से बाकायदा तौर पर वो खौफजदा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास 1.5 लाख रॉकेट्स हैं जो हमें पूरा सफ़ेदस्ती से मिटा सकते हैं, और हमारे लिए वो कितना नुकसान लेकर आएंगे। इसलिए वो हर सूरत में हिजबुल्ला से बचना चाह रहा है, उस जंग से वो बचना चाह रहा है। लेकिन हिजबुल्ला का पहले दिन से यही मौकफ है कि अगर आप गजा में बंद नहीं करेंगे मजालिम, तो फिर जंग आनी ही आनी है। एक हद तक तो वो जंग शुरू कर चुके हैं, लेकिन फुल स्केल वॉर आप रोक नहीं सकते। अब जरा एमबीएस की बात कर लेते हैं। एमबीएस जिसे हम 10-15 दिनों से, बल्कि इस जंग के शुरू से तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि बड़ी मसलियत के साथ और मुनाफकाना एक तरह से खामोशी उन्होंने बरकरार रखी हुई है, कोई दिलेर और बोल्ड मौकफ उनकी जानिब से सामने नहीं आ सका, और पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है वो सऊदी अरब के पीछे खड़ी होती है क्योंकि वही महवर और मरकज होना चाहिए और है भी सही, लेकिन वो उस तरह का लीड नहीं कर सके इस जंग में। तो पूरी दुनिया के लोगों को, मुसलमान दुनिया के लोगों को शिकायत है उनसे, और मुसलमानों के अलावा भी जो बाज़मीर दुनिया, उनको भी शिकायत है अरबों से कि आप उस तरह से खड़े नहीं हो सके। लेकिन अब एमबीएस की जानिब से 44 डेज में सबसे बड़ा मौकफ सामने आ गया, सबसे बड़ी चीज उनकी जानिब से सामने आ गई है, और जो चीजें पिछले 2 दिन में हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि एमबीएस की जो पॉलिसी है उसमें अब शिफ्ट आ रहा है। और उन्होंने सबसे बड़ा जो मुतालबा किया है ब्रिक्स का जो इजलास हुआ है उसमें यह बात सामने आई है, पूरी दुनिया के मीडिया पर इस वक्त यह चर्चा है। उन्होंने कहा है जी जो वेपन्स हैं उसकी एक्सपोर्ट इसराइल को बंद करनी चाहिए, पूरी दुनिया के मालिक को जो असलिया है वो फिल फॉर इसराइल का बंद करना चाहिए क्योंकि इसराइल बड़े जुल्म वहां पर कर रहा है, फिल फॉर सीज फायर होना चाहिए, और अब हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, अब वहां पर बच्चों और औरतों का इस तरह कत्लेआम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, फिल फॉर सीज फायर होना चाहिए, और ये सख्त इकदाम जो है वो इसराइल के खिलाफ लिए जाने चाहिए, आजाद रियासत है उसका फिल फॉर क्याम जो है वो अमल में लाया जाए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि आप इनको असलहा बंद करें, लेकिन जो उन पर सवालात उठे हुए हैं कि आप तेल क्या उनका बंद कर रहे हैं या नहीं, तो क्या वो आने वाले दिनों में तेल का भी ऐलान कर रहे हैं या आजकल में वो भी ऐलान हो सकता है, या उन्होंने अनऑफिशियली ये बंद कर दिया तेल, तो इस पर आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या ये एमबीएस की सिर्फ एक लोगों को, अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए और दुनिया में जो तनकीद हो रही है उसको सिर्फ काम डाउन करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए उन्होंने ये बयान दिया, या इसमें आपको वाज़े तौर पर लग रहा है, जैसा कि आप देखें ना कि उनके वज़ीर ख़ारिजा पहले चाइना गए, फिर वो रशिया में मौजूद हैं, और चाइना के साथ उन्होंने युआन में ट्रेड करने पर मुआहदा किया है जो कि मुकम्मल तौर पर जो यूएस की पॉलिसी है उसके खिलाफ है, यानी आप यूएस को छोड़कर चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं वाज़े तौर पर, और यहाँ के जो फैसले पहले यूएस करता था वाज़े तौर पर चाइना रशिया कर रहे हैं,
और आप उनके साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको कोई पॉलिसी में शिफ्ट लग रहा है इनका, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ अपने लोगों को और बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को सिर्फ कूल डाउन करने का ये एक बयान है? आप इस पर अपनी राय जरूर दें। अब जरा इलोन मस्क की बात कर लेते हैं, और हर वीडियो में मैंने तय किया कि ये आपको जरूर बताना है कि एक तरफ पूरी इस्लामी दुनिया है और उनके हुक्मरान है, और एक तरफ अकेला इलोन मस्क है। इलोन मस्क की जानिब से बहुत बड़ा ऐलान सामने आया। एक तो वो हक और सच के लिए खड़ा है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इसराइल के खिलाफ है उसको वो रिमूव नहीं कर रहा, हालांकि उस पर बड़ा प्रेशर है। फिर एप्पल, आपकी आईबीएम, आपकी अडोब और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो उनसे एडवर्टाइजमेंट वापस ले चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इसको किसी खाते में नहीं डाला और अपनी बात पर डटे रहे। जो इसराइल ने उनके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स कर रखे थे वो उन्होंने कैंसिल किए हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट उनके खिलाफ हो गई है, अमेरिका का सारा माफिया उनके खिलाफ हो गया है, लेकिन इलोन मस्क अपनी बात पर कायम है। और उन्होंने इससे भी अगला ऐलान किया है, उन्होंने कहा है जी कि जो रेवेन्यू उनको जनरेट होगा, जो मतलब वॉर रिलेटेड सारी चीजें चल रही हैं, जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसमें जितना भी रेवेन्यू होगा, और ये खरबों का है, अरबों नहीं खरबों का है, ये सारा जो पैसा है ये गजा को जाएगा और वहां के हॉस्पिटल्स को जाएगा, वहां के लोगों को जाएगा। तो ये इलोन मस्क की जानिब से बहुत बड़ा बयान अभी 2-3 घंटे पहले सामने आया है, और इसने भी दुनिया में खलबली मचा दी, और ख़ासतौर पर अमेरिका में जहां पर उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, वो रोज़ाना गजा के हक में ज़्यादा ओपनली खुलकर सामने आ रहे हैं। अब ज़रा गजा के निहत्ते लोगों की बात कर लेते हैं। गजा में बमबारी उसी तरह से जारी है, बमबारी में कोई वक्फा नहीं है, और उसी तरह रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जा रहा है, बच्चे औरतें शहीद हो रही हैं, हज़ारों लोग मलबे तले दबे हैं, और 20-25 दिन गुजर गए और उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। अभी जो सबसे बड़े हमले हुए हैं उसमें हमाद टाउन का इलाका है, यहाँ पर 10 लोग शहीद हुए हैं और 22 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा जो स्टैट्स सामने आए उसके मुताबिक 15,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, और ये स्टैट्स भी मैं इनको मानता नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि अभी तक हज़ारों लोग मलबे तले दबे हैं, हज़ारों लोगों की लाशें गलियों और सड़कों पर पड़ी हैं जिनको दफनाया नहीं जा सका, जिनको आप रिकवर ही नहीं कर सके। तो जब वो एग्जैक्ट नंबर आएंगे तो फिर हम मानेंगे, और मेरे हिसाब से ये 20,000 से ज़्यादा तादाद ये हो चुकी है, लेकिन चूंकि इनके पास कम्युनिकेशन और बाकी सारे मसाइल हैं तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी 15,000 इज़ अ बिग नंबर। आपकी पूरी जो जंगें हुई हैं इनकी इसराइल की बाकी अरबों के साथ, ये जो भी 75 साल गुजरे हैं उसमें किसी जंग में इतनी शहादतें नहीं हुई जितनी 1-1.5 महीने में हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और जैसे अल जज़ीरा ने लिखा था कि दिस इज़ नॉट नंबर, एवरी नंबर हैज़ अ स्टोरी, इसमें एक एक बंदे की स्टोरी है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, एक एक बंदे के पीछे किस तरह पूरी नस्ल खड़ी होती है, किस तरह पूरा ख़ानदान खड़ा होता है, एक बंदे के जाने से पूरी नस्ल और पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है। तो यहाँ तो 15,000 गए हैं, तो बहुत ही क़यामत खेज मनाजर हैं। फिर जो डॉक्टर्स हैं उनकी अब शहादतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक सीनियर लेडी डॉक्टर हैं और WHO के तहत वो काम कर रही थी और यहाँ पर अपनी खदमात गजा में दे रही थी, उनको भी इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने लीव नहीं किया, और अभी उनकी शहादत की इतला आई है और बहुत ही उसने हिला के रख दिया दुनिया को। वो अपने घर में मौजूद थी, उनके हस्बैंड थे, उनका 6 माह का बच्चा था साथ, और 2 उनके भाई थे। वहाँ पर बमबारी हुई, पूरा घर मलिया मेट हो गया और वो अपनी फैमिली समेत हैं वो शहीद हो गए, और WHO के जो सरबराह हैं वो किस तरह से गम मना रहे हैं आप भी देख लीजिए, लेकिन इस चीज़ ने बहुत तकलीफ पहुँचाई। इसके अलावा अल औदा हॉस्पिटल है, यहाँ पर डायरेक्टली अटैक किया गया, और बताया जा रहा है कि 8 से 10 डॉक्टर्स यहाँ पर शहीद हुए हैं और बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं, और बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनकी भी बड़ी तादाद में शहादत और इंजर होने की इतलात है। यानी अब हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली निशाना बनाया जा रहा है, अब वो नहीं है कि जनाब कुछ सराउंडिंग में हमले किए जा रहे हैं या दूर हमला करके धमकाया जा रहा है, अब तो डायरेक्टली उनकी बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहा है। फिर जनाब जो टनल्स की कंट्रोवर्सी है वो इसराइल के गले पड़ी हुई है, उसको अभी तक ये सुलझा नहीं सके, और रोज बोंगियां मार रहे हैं, रोज उससे भी ज्यादा फेक चीजें लेकर आ रहे हैं, रोज दुनिया में अपनी बेइज्जती और इंसल्ट करवा रहे हैं, जलीलो खार होकर रह गए हैं। ये जो सबूत सामने लेकर आते हैं, जो टनल्स ये दिखाते हैं, इनका अपना मीडिया कहता है कि जनाब वो तो सीवरेज की होगी, ये तो टनल लग ही नहीं रही। तो अब ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहां से वो टनल लेकर आए, क्योंकि अब इनके लिए सबूत लाना हर सूरत पॉसिबल है।
अगर ये जंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो यहां पर बयानियां इनको लाजमी चाहिए। दुनिया भर का मीडिया इनको एक्सपोज कर रहा है और अब इनके लिए कोई ना कोई सबूत लाना सामने है जरूरी है। और इनके साबिक वजीर आजम ने भी ये कह दिया कि इसके नीचे बंकर्स बनाए गए थे आज से 50 साल पहले और वो हमने खुद बनाए थे और मजामती तहरीक को इसका पता नहीं है। तो मुमकिन है कि ये वही बंकर उठाकर लेकर आ जाएं कि ये देखें यहाँ पर जो है ये मजामती तहरीक इसको बेस यूज़ कर रही थी, हालांकि उनके अपने वज़ीर आज़म इसको डिनाई कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी अभी तक जारी है और उसका कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि ये रोज़ाना कुछ ना कुछ नया वहाँ पर लेकर आ जाते हैं और अभी तो इन्होंने मुकम्मल वहाँ पर कब्जा किया हुआ है, पता नहीं वहाँ पर क्या खुदाइयाँ कर रहे हैं और क्या क्या सबूत वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से इनके गले पड़ा हुआ है। तो चाहे फौजी नाकामी हो, चाहे इनकी जो शोहरत थी, जो एक क्रेडिबिलिटी थी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में नहीं मैं मगरब की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी ये पास पास होकर रह गए और इनका अपना मीडिया जिन पर ये अरबों इन्वेस्ट करते हैं उनके पास भी आज कोई बयानियाँ नहीं है इनको डिफेंड करने के लिए। तो ये भी एक फ़लस्तीन की मैं समझता हूँ कि एक बड़ी फतह है। अब आप देखें ना कि अब से पहले वो शहीद भी होते थे और दुनिया उन्हें टेररिस्ट भी कहती थी, लेकिन आज दुनिया को कम से कम ये तो पता चला है कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है। हालांकि हम तो 75 साल इसी चीज़ का भी मुकदमा नहीं लड़ सके कि दुनिया को बताएं कि भाई फ़लस्तीनी मजलूम हैं और जालिम इसराइली हैं, लेकिन आज चलें दुनिया को इतना तो पता चला कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये अहम तरीन तफसीलात थी आपके साथ शेयर की, बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर हम खड़े हैं और कुछ ये भी बातें चल रही हैं कि प्रिजनर एक्सचेंज डील जो है वो तय होने वाली है, कोई वक्फा आने वाला है जंग में, कोई 3-4 दिन का वक्फा किया जाएगा। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, ये जंग या तो फ़लस्तीन के खात्मे के साथ ख़त्म होगी या फिर फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ और इसराइल के खात्मे के साथ ख़त्म होगी, या फिर दोनों रियासतों के कायम होने के बाद ये ख़त्म होगी। यानी अब ये जंग नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म नहीं हो सकती, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो बेशक 2-3 दिन ये रुक जाए जंग, एक वक्फा आ जाए, तो वो वक्फा कोई मैटर नहीं करेगा। असल बात यह है कि अब ये फैसला कुन मार्का है, चाहे ये 6 महीने चले या साल चले, या फ़लस्तीन आज़ाद होगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो ये आम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर की। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर हवाले से आप अपडेट रहें और क्या चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत आप तक पहुँचना चाहिए। राय से आगाह करें। जाज़ियल्लाह।